छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के पामगढ़ स्थित ग्राम बिलौनी से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति संतु यादव की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद उसके शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। संतु यादव के शव को सड़क किनारे देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पामगढ़ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ परिजनों ने पुलिस की इस कार्यवाही पर असंतुष्टि जताई है। परिजनों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी से अन्य आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। दरअसल पुलिस की इस कार्यवाही पर असंतुष्टि जताते हुए गांव के लोग बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाने पहुंचे थे, जिस पर अधीक्षक अनिल सोनी ने सभी गांव के लोगों को यह आश्वासन देते हुए कहा कि अन्य आरोपियों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। एक जन बस पकड़ा है और एक जन नहीं मारे हैं, माई पीला मिल के मारे हैं, तो एक जन भल्ला पकड़ के ले गए और सब कोई मारे हैं, तो सब कोई पकड़े हैं। दिनांक 20 और 21/8/2022 के दरमियान रात को मृतक संतु यादव की हत्या की गई थी। उस मामले में एक आरोपी जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। ग्राम ढिलौनी थाना पामगढ़ से उसके परिजन और गाँव के अन्य ग्रामीण आए हुए थे। उनका कहना है कि मामले में और भी आरोपी हैं जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने इस एक आवेदन दिया है, उसकी जांच कराई जाएगी और जिस प्रकार से साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई।